नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप यूएस इलेक्शंस 2024 के चलते प्रेसिडेंशियल रेस के लिए जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब महज 125 मीटर की दूरी से एक रूफटॉप पर से एक छत पे से उनके ऊपर कई सारी गोलियां दागी गई। शुरुआत में कई सारे लोगों को, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये लगा कि ये फायर क्रैकर्स की आवाज है, पटाखों की आवाज है, लेकिन बाद में जब एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई तो उस समय उन्होंने तुरंत ही नीचे होकर अपना बचाव किया और उसी के साथ उनके आसपास जो एक सिक्योरिटी का घेरा बनाया हुआ था वे लोग भी उनकी सुरक्षा में आ गए। उसके पश्चात जो स्नाइपर्स इंस्टॉल किए गए थे रूफटॉप्स पर स्पेशल सिक्योरिटी सर्विसेज के, उन लोगों ने तुरंत ही जो अटैकर था उसको ढूंढ निकाला एक रूफटॉप पर और तुरंत ही उसको मार गिराया। जब बाद में तस्वीरें निकल कर आई तब पता चला कि वो जो व्यक्ति था वो 2 साल पहले जून में ग्रेजुएट होकर निकला था। अब उसने ट्रंप पर क्यों गोलियां चलाई ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बच गए हैं। वो हाल में सेफ है, उनको तुरंत ही, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हॉस्पिटल ले जाया गया था और बाद में उनकी ट्रीटमेंट हुई और उनको कोई भी ज्यादा मेजर इंजरी नहीं हुई है। लेकिन उसी रैली में ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 लोग मारे गए। उसके बाद जब विजुअल्स निकलकर आना शुरू हुए तब पता चला कि हमलावर ने जिस जगह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निशाना साधा था वो काफी ही क्लियर लाइन ऑफ साइट पर था और ये एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज है, क्योंकि जब कभी भी ऐसी कोई भी रैली होती है किसी भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के लिए या फिर जो भी नेता है उनके लिए जो सुरक्षा घेरा बनाया जाता है उसमें इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये जगह इतनी क्लियर और इतनी सीधी लाइन ऑफ साइट में जो जगह थी वो कैसे छूट गई, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है वहां की जो स्पेशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनके ऊपर। और इससे ये भी संभावनाएं मालूम पड़ती है कि वे लोग भी जो बाइडेन, यूएस डीप स्टेट और उस तरह के संगठनों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं या फिर उन लोगों के पास से सिक्योरिटी सर्विसेज को ऑर्डर आया हो सकता है। संभवतः इसी वजह से जब ऑलरेडी स्पेशल सिक्योरिटी सर्विसेज को आगे से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को लेकर इंटीमेट कर दिया था, उन लोगों को बता दिया था कि ये एक बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति मालूम पड़ रहा है और वो पीछे के जंगल से निकलकर आ रहा है, फिर भी उन सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, उस हमलावर को वहां पर खुला मैदान दे दिया गया। तो इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। ये पहली बार नहीं है कि यूएसए में किसी प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ है, आगे भी ऐसे कई सारे हमले ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस मामला है जॉन एफ कैनेडी का, उसके पहले अब्राहम लिंकन का भी असैसिनेशन हो चुका है, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकेनली, इन सभी का असैसिनेशन हो चुका है। इसके अलावा थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रेगन, इन लोगों के ऊपर भी हमला हो चुका है, लेकिन वे लोग भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बच गए। तो इस प्रकार के हमले यूएसए में होना काफी आम बात है और ये खास करके तब होते हैं जब यूएसए की जो सीक्रेट सोसाइटी है, जिसको कुछ लोग इल्यूमिनाटी बोलते हैं, कुछ लोग डीप स्टेट बोलते हैं, बट अल्टीमेटली ये जो सीक्रेट सोसाइटी है जो बोहेमियन ग्रुप में मिलती है, वे लोग जब भी कोई ऐसा नेता आता है जो उन लोगों के खिलाफ जाता है तो उसको मरवाने की पूरी कोशिश अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये सिर्फ यूएसए में ही नहीं, हम लोगों ने रिसेंटली स्लोवाकिया में भी देखा है और अन्य कई ऐसी जगहों पर इस प्रकार के हमले होते रहते हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर है खास करके उन लोगों के अगेंस्ट में, अब हमले जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से वायलेंट हो, मरीन लपेन के अगेंस्ट में जो वहां की मैक्रो गवर्नमेंट थी उसने जिस तरह से एक बहुत ही बद्दा खेल खेला, उससे स्पष्ट पता चल रहा था कि उसने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने कई सारे विधायक, कई सारे कंटेंडर्स एक साथ विड्रॉ कर लिए, जिसकी वजह से मरीन लपेन दूसरे राउंड में हार गई और अल्टीमेटली फार लेफ्ट पार्टी जीत कर आगे आई। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उसके ऊपर किस तरह से छानबीन की जाती है और क्या रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे ऐसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और हाँ, एक और बात, ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन लोगों के साथ भी हो सकती है। तो हम आशा रखते हैं कि भारत की जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सभी चौकन्नी रहें, वो काफी अच्छे से अपना काम कर रही हैं हाल में। तो उसके लिए हम उन लोगों को ऑलरेडी कई बार धन्यवाद कह चुके हैं, साधुवाद कह चुके हैं और फिर से एक बार यहाँ पर धन्यवाद और साधुवाद कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जो एलिट्स हैं, ग्लोबल एलिट्स हैं, ग्लोबलिस्ट्स हैं, इल्यूमिनाटी हैं, डीप स्टेट हैं, सीक्रेट सोसाइटी है, उन लोगों के खिलाफ ये लोग जाते हैं, उन लोगों के कंट्रोल में ये लोग नहीं रहते हैं। तो हम लोगों को सभी को चौंकन्ना रहना होगा। हमारे पास जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।
अन्य और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करते हैं। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर जरूर जुड़े। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में आपका क्या कहना है, वो हमारे साथ कॉमेंट में जरूर साझा करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।